गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस, आज हम आपको क्लास सेवन और क्लास एट के लिए लेसन नंबर फाइव हिंदी टू में लिंग, तो लिंग के विषय में आज हम लोग जानेंगे कि लिंग क्या है, लिंग किसे कहते हैं, लिंग का अर्थ क्या होता है और लिंग जानने के क्या क्या तरीके हैं, इसके बच्चे विषय में विस्तृत रूप से हम लोग आज जानेंगे। सबसे पहले आते हैं, यहाँ लिखा है संज्ञा शब्दों में परिवर्तन। तो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है कि संज्ञा शब्दों में परिवर्तन लिंग, वचन और कारक के आधार पर किया जाता है। उदाहरण के तौर पर अगर आप एक शब्द लेते हैं बालक या लड़का, तो लड़का शब्द एक वचन है, पुल्लिंग है, लेकिन इसका जब हम लिंग परिवर्तन करते हैं तो बालक से वह बालिका बन जाता है, वह भी एक वचन है। लेकिन अगर फिर हम बालक का बहुवचन बनाएंगे तो बालको हो जाएगा, यानी एक लड़का बालक से ज्यादा बालकों। तो एक वचन बहुवचन, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग, और कारक के आधार पर जब उसी शब्द में बहुवचन में ने शब्द लगा के उसका इस्तेमाल करते हैं तो वह कारक चिन्हों का प्रतीक समझा जाता है। जैसे लड़के ने मारा, तो यहां पर नए शब्द जो है यह दर्शा रहा है कि मारने वाला पुल्लिंग यानी लड़का है। तो इसी आधार पर संज्ञा शब्दों में परिवर्तन होता है, जिसमें कि एक लिंग भी है। तो इस लिंग में अब है ये कि लिंग का अर्थ क्या है। तो लिंग का अर्थ होता है चिन्ह अथवा पहचान, जिससे हमें किसी चीज का या किसी चीज को चिन्हित करने में पता चले, उसकी पहचान मिले कि यह स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, उसे ही लिंग कहते हैं। उसी आधार पर हम पहचान पाते हैं कि यह शब्द जो है स्त्रीलिंग है अथवा पुल्लिंग है, तो उसकी पहचान और चिन्ह जो है वह लिंग का अर्थ होता है। इसके बाद है लिंग की परिभाषा। तो लिंग की परिभाषा हम इस प्रकार कह सकते हैं कि जिन चिन्हों से या जिन चिन्हों के द्वारा संज्ञा शब्द के स्त्री जाति होने का अथवा पुरुष जाति होने का बोध कराता हो, उसे ही लिंग कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। यानी जिस चिन्ह के माध्यम से हमने यह पहचान किया या जाना कि यह स्त्री जाति का है या पुरुष जाति का, तो इस आधार पर उसे हम लिंग कहेंगे। उदाहरण के तौर पर अगर हम लेते हैं अध्यापक, तो अध्यापक शब्द से यह ज्ञात होता है कि यह शब्द जो है पुल्लिंग है। अगर हम लेते हैं नायिका, तो इस शब्द से यह ज्ञात होता है कि यह स्त्री जाति को दर्शाता है, तो यह क्या है? स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग है। आगे चलते हैं लिंग के भेद। लिंग के मुख्य रूप से दो भेद हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो पुल्लिंग, इससे पहले मैंने बता दिया कि लिंग परिचय या लिंग पहचानने का तरीका, तो उसी आधार पर हम पुल्लिंग शब्द की परिभाषा क्या होगा इसे बताने जा रहे हैं। जिस संज्ञा शब्द से किसी पुरुष जाति का बोध होता हो, उसे ही पुल्लिंग कहते हैं। उदाहरण के तौर पर घोड़ा, हाथी, अध्यापक इत्यादि, ये शब्द पुल्लिंग शब्द हैं। इसके बाद आते हैं दूसरा स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग की परिभाषा क्या है? तो स्त्रीलिंग की परिभाषा भी ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार मैंने पुल्लिंग शब्द की परिभाषा को दर्शाया। जिस संज्ञा शब्द से किसी स्त्री
जाति का गुण होता हो उसे ही स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे कि अध्यापिका, बालिका, ये दोनों शब्द स्त्रीलिंग है क्योंकि यह स्त्री जाति को दर्शाता है। आगे आते हैं कि अब पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की बहुत सारे शब्द हैं हमारे सामने, इसमें हम ये कैसे जानेंगे कि यह शब्द पुल्लिंग है यह शब्द स्त्रीलिंग है। तो व्याकरण में इसके लिए कुछ नियम हैं, कुछ ऐसे पहचान के चिन्ह दिए हुए हैं जिसको जानकर हम यह पता कर सकते हैं कि यह स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। आइए बच्चों अब आगे हम चलते हैं। सबसे पहले पुल्लिंग शब्दों की पहचान में, पुल्लिंग शब्दों में कहता है कि जिन शब्दों के अंत में, यानी जो भी शब्द आप बोलते हैं उसके अंत में अगर अ आ रहा हो, चाहे पा आ रहा हो, चाहे आना उच्चारण हो रहा हो, आ उच्चारण हो रहा हो, आटा उच्चारण हो रहा हो, आवा उच्चारण हो रहा हो, ओड़ा उच्चारण हो रहा हो, पन उच्चारण हो रहा हो, त्व उच्चारण हो रहा हो, तो ऐसे शब्द को पुल्लिंग शब्द के नाम से जानेंगे। तो कहेंगे ये कैसे हम जानेंगे, आइए उदाहरण के तौर पर आपको हम बताते हैं कि अ, अब एक शब्द हम बोलते हैं जैसे उदाहरण के तौर पर धन, मन, जन, ये तीनों शब्द जो मैंने बोला धन, जैसे ही धन बोलते हैं तो न के उच्चारण के साथ साथ औ का उच्चारण आता है, इसलिए धन शब्द जो है वह क्या है, पुल्लिंग शब्द है। मन न बोलते हैं उससे यह भी साबित होता है कि मन शब्द भी पुल्लिंग है। जन यह शब्द भी न बोलने से अशब्द का उच्चारण, यानी जिस शब्द के अंत में अशब्द का उच्चारण जुड़ेगा वह शब्द पुल्लिंग कहलाएगा। अब है पा, यानी जिस शब्द के अंत में या बोलने पर अंत में पा शब्द का उच्चारण हो ऐसे शब्दों को पुल्लिंग शब्द कहेंगे, जैसे कि बुढ़ापा, मोटापा इत्यादि बहुत सारे शब्द हैं जो कि अंत में पा शब्द लगने से बनते हैं, तो ऐसे शब्दों को पुल्लिंग शब्द कहते हैं। तीसरा है आना, घबराना, सुनाना। अब घबराना, राना, जैसे राना बोलते हैं उसमें आना शब्द होता है, सुनाना, नाना उसमें भी आना शब्द होता है, इससे यह साबित होता है इन शब्दों को भी हम पुल्लिंग ही कहेंगे। आगे चलते हैं आ, आ शब्द जो है जैसे कि उदाहरण के तौर पर बुलावा, बुलावा, इसके बाद आगे आते हैं दिखावा, ये दोनों शब्द भी आ शब्दों के, बुलावा उसमें आ प्रत्यय आ गया, आ शब्द लग गया, दिखावा भी है उसमें आ गया, इन शब्दों की पहचान से यह जान सकते हैं कि ऐसे शब्द जो है दिखावा, बुलावा, ये शब्द पुल्लिंग शब्द हैं। अब आते हैं आटा, सन्नाटा, झन्नाटा, ये सन्नाटा, झन्नाटा, इन शब्दों के अंत में आटा आता है, इससे यह साबित होता है कि अंत में लगने वाला आटा शब्द जो है ऐसे शब्द क्या है, पुल्लिंग है। अब है आवा, अब आवा में आवा शब्द भी जो है वह दिखावा, बुलावा आदि शब्द लगने से वो भी पुल्लिंग शब्द बन जाते हैं। उसके बाद है ओड़ा, अब जिस शब्द के अंत में ओड़ा का उच्चारण हो वह शब्द पुल्लिंग होगा, उदाहरण के तौर पर भगौड़ा, पकौड़ा इत्यादि बहुत सारे शब्द हैं इस तरह के जो कि ओड़ा शब्द के अंत में ओड़ा का उच्चारण होगा और वह शब्द पुल्लिंग कहलाएगा। आगे आते हैं पन, बचपन, पचपन,
इत्यादि ऐसे शब्द जो है वह जिस शब्द के अंत में पन का उच्चारण होता हो, बचपन, पचपन इत्यादि शब्द क्या है, पुल्लिंग शब्द है। अब जैसे लास्ट वर्ड है त्वा, अब जिस शब्द के अंत में त्वा का उच्चारण हो, त्वा आदि त्वा, तो ऐसे शब्द भी पुल्लिंग कहलाएंगे। उदाहरण के तौर पर देवत्व, महत्व, पुरुषत्व आदि बहुत सारे शब्द हैं जिन शब्दों से क्या ऐसे शब्द पुल्लिंग कहलाएंगे। आगे चलते हैं, तो हमने अभी देखा कि पुल्लिंग शब्द पहचान करने के कुछ तरीके, कि पुल्लिंग शब्द किसे कहेंगे या कैसे जानेंगे उसके लिए ये तरीके अभी आपने सुना। आगे चलते हैं, स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान हम किस प्रकार करेंगे इसको हम बताने जा रहे हैं। जैसा फर्स्ट उदाहरण है भाषा, दुनिया में अनेकों भाषा है, जिस भाषा का भी आप नाम ले लो वो भाषा शब्द जो होता है, चाहे हिंदी हो, अंग्रेजी हो, पंजाबी हो, उर्दू हो, फारसी हो, तमिल हो, तेलुगु हो, अरबी हो, गुजराती हो, कुछ भी हो, कोई भी भाषा हो, वो सारी भाषाएं जो होती है स्त्रीलिंग शब्द होती है। आगे चलते हैं, दिया है तिथि, उदाहरण के तौर पर तिथि, जैसे कि हम लोग बोलते हैं पूर्णिमा, अमावस्या, द्वितीया, तृतीया, चौथ, पंचमी, षष्ठी आदि बहुत सारे शब्द हैं ऐसे जो कि तिथियों में आते हैं, वो शब्द जो है स्त्रीलिंग शब्द है। अब आगे चलते हैं नदियों के नाम, इस धरती पर जितनी भी नदियां हैं, गंगा, सतलुज, जमुना, सरस्वती, कोसी, बागमती, चाहे जितने भी नदी का नाम आप ले लो, सारी नदियां के नाम भी स्त्रीलिंग में ही गिने जाते हैं। एवं इसके साथ दूसरे नियम भी कुछ हैं जिससे कि हम स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर जिन शब्दों के अंत में बड़ी की नदी हो, जिन शब्दों के अंत में बड़ी ई की मात्रा लगी हो, ऐसे शब्द भी स्त्रीलिंग कहलाते हैं, जैसे द्रौपदी। जैसे ही बोलते हैं द्रौपदी, तो द में बड़ी की मात्रा लगाते हैं, तो ऐसे शब्द स्त्रीलिंग हो जाते हैं। सती, तो में बड़ी की मात्रा है, यह शब्द भी सती शब्द जो है स्त्रीलिंग है। सावित्री, सावित्री शब्द भी यह स्त्रीलिंग शब्द है, क्योंकि सावित्री जब बोला लास्ट में त्र में बड़ी की मात्रा लगी है, तो इस आधार पर हम जान सकते हैं कि यह भी एक शब्द स्त्रीलिंग है। आगे चलते हैं, अब है जिस शब्द के अंत में हट वट जैसे प्रत्यय लगे हो, हटवट जैसे प्रत्यय लगे हो, तो ऐसे शब्द को भी हम स्त्रीलिंग शब्दों में गिनेंगे, जैसे कि सजावट, मुस्कुराहट। अब मुस्कुराहट हो गया, सजावट हो गया, घबराहट हो गया, तो सभी शब्दों के अंत में किसी में वट किसी में हट ये शब्द का उच्चारण हो रहा है, तो इस आधार पर इन शब्दों को हम जान सकते हैं कि यह शब्द स्त्रीलिंग है। आगे चलते हैं, और भी कुछ नियम है, जैसे कि जिन शब्दों के अंत में आस आई कुछ प्रत्यय लगे हो, जैसे प्रत्यय आस आई जैसे प्रत्यय लगे हुए हो, तो ऐसे शब्दों को भी हम स्त्रीलिंग शब्दों के अंतर्गत लाते हैं, जैसे कि मीठास, खटास। तो जैसे ही मीठास बोलते हैं आस शब्द का उच्चारण होता है, खटास बोलते हैं लास्ट में आस शब्द का उच्चारण होता है, इससे यह साबित होता है कि मीठास और खटास शब्द है वह स्त्रीलिंग शब्द है। इसके बाद है आई, जैसे कि सफाई, मिठाई, खटाई। अब सफाई, मिठाई, खटाई ये सारे के सारे शब्द जो है उस शब्द के अंत में आई प्रत्यय लगा है, इसलिए ऐसे शब्दों को जिस शब्द के अंत में आई प्रत्यय लगा हो या आस प्रत्यय लगा हो, ऐसे शब्दों को स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं, मिठाई, खटाई इत्यादि।
आगे चलते हैं कि कुछ ऐसे शब्द हैं हमारे सामने, हमारे शब्दों के डिक्शनरी में, शब्दकोश में ऐसे भी कुछ शब्द हैं जो कि हमेशा से या तो पुल्लिंग होते हैं अथवा वो हमेशा के लिए स्त्रीलिंग ही बने रहते हैं, उसका पुल्लिंग रूप नहीं होता है। तो उसमें विभेद करने के लिए स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, उसको विभेद करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो नर और मादा शब्द का प्रयोग करते हैं। तो उससे यह जानकारी मिलती है कि यह शब्द स्त्रीलिंग है अथवा पुल्लिंग है। लेकिन शब्द के रूप जो होते हैं वो हमेशा से या तो स्त्रीलिंग होते हैं या तो हमेशा से वो पुल्लिंग होते हैं। उदाहरण के तौर पर जो द्वितीय पुल्लिंग होते हैं जैसे चीता, चीता जो है एक हिंसक पशु का नाम है, चीता लेपर्ड। लेकिन हिंदी भाषा में चीता शब्द होता है, इसका स्त्रीलिंग चीटी नहीं होता है, यह रंग चीटी शब्द, क्योंकि चीता शब्द जो है वह पुल्लिंग है। अगर इसको हम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में विभेद करना चाहेंगे तो नर चीता अथवा मादा चीता का इस्तेमाल करेंगे, तो उससे यह साबित होगा कि यह मेल मेंबर है, पुरुष है या स्त्री है या फीमेल। तो चीता शब्द जो है हमेशा से पुल्लिंग ही होता है। आगे चलते हैं मच्छर, मॉस्किटो। मच्छर शब्द भी हिंदी में जो है इसका स्त्रीलिंग नहीं होता है, वह हमेशा पुल्लिंग में ही गिना जाता है। लेकिन हम अपनी बोलचाल से नर मच्छर अथवा मादा मच्छर के नाम से पुकारते हैं। आगे चलते हैं खटमल, बेडमल जिसको कहते हैं, खटमल बेड में होता है, वह भी हमेशा के लिए पुल्लिंग शब्द ही होता है, उसका स्त्रीलिंग नहीं होता है। लेकिन जब हम उसे विभेद करेंगे नर और मादा में, नर खटमल और मादा खटमल हो जाएगा। आगे चलते हैं उसी तरह है बाज, उल्लू, चील, बाघ एवं कछुआ, ये सारे के सारे शब्द जो है हमेशा के लिए पुल्लिंग में ही जाने जाते हैं, नित्य पुल्लिंग होते हैं, इसके स्त्रीलिंग शब्द बनते ही नहीं है। सिर्फ इसके विभेद को जानने के लिए हम लोग बोलचाल में नर चीता या मादा चीता, नर कछुआ या मादा कछुआ ऐसे शब्द का इस्तेमाल करके उसे स्त्रीलिंग में बना देते हैं। आगे है नित्य स्त्रीलिंग शब्द जो कि ऑलवेज कहीं भी उसके इस्तेमाल करेंगे वो स्त्रीलिंग ही रहेगा, वो पुल्लिंग नहीं बन सकता है, क्योंकि वो स्त्रीलिंग में ही जाना जाता है। उदाहरण के तौर पर दीमक, जो कि आपने देखा होगा दीमक शब्द हुआ है जो उड में कुछ पाउडर नुमा ऐसे इंसेक्ट होते हैं जो कि उड को पाउडर में कन्वर्ट करता है, उस तरह के इंसेक्ट का नाम है दीमक। तो दीमक का स्त्रीलिंग ऑलरेडी क्या है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग शब्द नहीं है। आगे है जोग, जोग शब्द भी हमेशा के लिए स्त्रीलिंग में ही गिने जाते हैं। मैना, इसका भी पुल्लिंग नहीं होता है, मैना शब्द भी बोलेंगे तो नर मैना या तो मैना मादा मैना, नर जोग या मादा जोग, नर दीमक या मादा दीमक। कोयल, कोयल जिसे हम लोग कुकू भी कहते हैं इंग्लिश में, इसको भी हम लोग हमेशा से स्त्रीलिंग में जानते हैं, इसका पुल्लिंग वर्ड नहीं होता है। लेकिन नर कोयल या मादा कोयल करके हम इसे पुकार सकते हैं, लेकिन कोयल शब्द जो है वह हमेशा से स्त्रीलिंग में होता है। ठीक उसी प्रकार मछली, मछली शब्द भी जो है वह हमेशा से स्त्रीलिंग में होता है। मकड़ी, यह भी हमेशा से स्त्रीलिंग ही होता है। लेकिन इन शब्दों को विभेद करने के लिए कि यह नर है कि मादा है, इसे हम नर और मादा कहके विभक्त कर सकते हैं। अब आते हैं पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाना। कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि हम लोग वो हमेशा से पुल्लिंग है लेकिन उसे हम स्त्रीलिंग में बदल सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिसमें कि हम
उसे कुछ प्रत्यय लगा के, कुछ ऐसे शब्द लगा के जिसे कि हम बदल कर उसे पुल्लिंग से स्त्रीलिंग कर देते हैं। जैसे कि अकारांत शब्द, अकारांत शब्द हुआ कि जिस शब्द को बोलने के बाद अंतिम शब्द में अ का उच्चारण होता हो, ऐसे शब्दों को अकारांत कहते हैं। और उस अकारांत शब्द में, उस अकारांत शब्द के पीछे जब आ जाए, दीर्घई प्रत्यय आ जाए, इया प्रत्यय आ जाए, नी प्रत्यय आ जाए, अनी प्रत्यय आ जाए, इन प्रत्यय आ जाए, आई प्रत्यय आ जाए, इका प्रत्यय आ जाए, तो ऐसे प्रत्यय लगाकर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाए जाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर आ। अब बाल, एक उदाहरण है बाल। बाल मींस होता है बच्चा, या बाल मींस होता है ये केस हमारे हेयर में, लेकिन यहां पर मैंने जो बाल शब्द का उपयोग किया है वह बच्चे के लिए किया है बाल। लेकिन जब उसका स्त्रीलिंग बनाएंगे उसमें आ प्रत्यय लगा देंगे तो बाल में आ प्रत्यय लगाने से बाला बन जाती है। तो पुल्लिंग शब्दों से बाल से बाला हो गया आ शब्द लगने के बाद बाला। ठीक उसी प्रकार ई है, ई शब्द जो है जैसे कि कोई ऐसे एक शब्द लिखिए जिसमें ई प्रत्यय जोड़ने से वह क्या बन जाए, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बन जाए। जैसे देव, देव शब्द क्या है, पुल्लिंग है, उसमें बड़ी ये ई प्रत्यय जोड़ दिया तो वह बन गया देव से देवी, वह पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बन गया। अब है इया, इया शब्द है, इया में जैसे उदाहरण के तौर पर बेटा, बेटा शब्द जो है वह पुल्लिंग है, अगर इसमें हम स्त्रीलिंग नहीं बदलना चाहेंगे इसमें इया प्रत्यय लगा देंगे तो बिटिया बन जाएगी, तो बिटिया शब्द स्त्रीलिंग है, बेटा शब्द पुल्लिंग है। अब है नी, अब नी शब्द जो है उसमें जैसे कि नी प्रत्यय जोड़ने के लिए शेर है, शेर शब्द क्या है तो पुल्लिंग है, उसमें जैसे ही नी प्रत्यय जोड़ेंगे शेर में वह शब्द भी पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बन जाएगा। जैसे शेर तो पुल्लिंग है, उसमें नी प्रत्यय जोड़ दिए वह शेरनी बन गई। उसके बाद है आनी, अब जैसे देवर, देवर शब्द हिंदी है तो देवर शब्द में जैसे ही आनी प्रत्यय जोड़ेंगे तो वह क्या बन जाएगा, देवरानी, यानी पुल्लिंग से आनी प्रत्यय, पुल्लिंग शब्द में आनी प्रत्यय जोड़ देने से वह देवरानी यानी स्त्रीलिंग में बदल गया। आगे चलते हैं, अब है इन प्रत्यय, इन, इन प्रत्यय में अब जैसे एक शब्द ले लीजिए माली, माली शब्द जो है वह पुल्लिंग है लेकिन इसमें जब इन प्रत्यय लगाते हैं तो मालिन बन जाती है, मालिन, तो इन प्रत्यय लगने से पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बन जाती है। अब है आइन, पांडे, मान लीजिए पांडे है शब्द, पांडे सरनेम है पांडे, लेकिन जैसे ही उसमें आई प्रत्यय लगाते हैं पंडाइन बन जाता है, पंडा से पांडे से पंडाइन, यानी पुल्लिंग से आई प्रत्यय लगने के बाद वह स्त्रीलिंग में कन्वर्ट हो जाता है। आगे है ईका, ईका प्रत्यय जो है वह इसमें जैसे कि उदाहरण के तौर पर देख लीजिए एक शब्द है पाठक, ईका पाठिका, ईका प्रत्यय जैसे ही लगाए वह क्या बन गया, पाठिका बन गया, पाठक पुल्लिंग शब्द हो गया, पाठिका स्त्रीलिंग शब्द हो गया। तो बच्चों इस प्रकार हम पुल्लिंग शब्द से स्त्रीलिंग बनाने के लिए शब्द के अंत में यानी अकारांत शब्द के पीछे आ, हर्षई, इया, नी, आमी, इन, आई, ईका आदि प्रत्यय लगाकर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाते हैं। आगे चलते हैं कि अब स्त्रीलिंग शब्द के कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि स्त्रीलिंग से पुल्लिंग भी बनाए जाते हैं। जैसे कि किसी भी शब्द के अंत में आप प्रत्यय
कोई प्रत्यय, आव प्रत्यय, ये सारे प्रत्यय को जो जोड़ते हैं वह सब स्त्रीलिंग से पुल्लिंग में बदल जाते हैं। उदाहरण के तौर पर हम आगे चलते हैं, जैसे कि अगला है आप्रत्यय आ। अब देखिए बच्चों, भैंस शब्द जो है स्त्रीलिंग, भैंस क्या है स्त्रीलिंग है, उसमें अगर आप आप्रत्यय जोड़ते हैं तो वह पुल्लिंग बन जाता है। जैसे भैंस में आप्रत्यय लगने से भैंसा हो गया, तो भैंसा शब्द पुल्लिंग हो गया और भैंस शब्द स्त्रीलिंग। अब है ओई, बहन शब्द स्त्रीलिंग है, बहन शब्द में जब आप ओई प्रत्यय को जोड़ेंगे तो वह बहनोई हो जाता है, यानी बहन से बहनोई, यानी बहन स्त्रीलिंग शब्द, ओई प्रत्यय लगने के बाद वह स्त्रीलिंग शब्द बहनोई बन गया। आगे चलते हैं आओ। अब आओ प्रत्यय में हम देखते हैं, आओ प्रत्यय जो है बिल्ली, बिल्ली शब्द जो है वह क्या है स्त्रीलिंग है, लेकिन जब उस शब्द में आओ प्रत्यय को हम जोड़ते हैं तो हो जाता है बिलाव, यानी बिल्ली का पुल्लिंग शब्द जो है बिलाव है, यानी आओ प्रत्यय लगने से वह शब्द पुल्लिंग बन गया, यानी बिल्ली से बिलाव बन गया। तो बच्चों यहां भी आपने देख लिया कि पुल्लिंग से स्त्रीलिंग कैसे बनाया जाएगा और स्त्रीलिंग से पुल्लिंग कैसे बनाया जाएगा। आगे चलते हैं, कुछ ऐसे शब्द हैं जिसमें कि लिंग बदलने से हमेशा के लिए उसके अर्थ बदल जाते हैं, वचन नहीं, लिंग नहीं बदलते हैं, लिंग बदल देने से उसके बिल्कुल के बिल्कुल अर्थ बदल जाते हैं। उदाहरण के तौर पर ले लीजिए, उदाहरण के तौर पर अंगूठा, ये मेरे बच्चों इसे थंब कहते हैं अंगूठा, लेकिन इसमें जैसे ही ई प्रत्यय लगा दिए तो बन गया अंगूठी। अंगूठा तो मीन्स थंब होता है, लेकिन अंगूठी मीन्स उंगलियों में पहनने वाली रिंग, उसे अंगूठी कहते हैं। अब है छाता, छाता का मीनिंग होता है अम्ब्रेला, लेकिन इसमें जैसे ही बड़ी की प्रत्यय लगाते हैं या लिंग बदलते हैं तो वह बन जाती है छाती, मीन्स चेस्ट। तो शब्द के अर्थ ही बदल गए, कहां एक अम्ब्रेला, कहां एक चेस्ट, कहां एक अंगूठा, कहां एक दूसरी अंगूठी, तो शब्द के विभेद हो जाते हैं, मतलब अंतर हो जाते हैं। अब आते हैं बाज, बाज का मतलब है ईगल, एक पक्षी का नाम है बाज, लेकिन जब उसके लिंग बदलते हैं तो हो जाती है बाजी, मीन्स जीत हासिल करना, बाजी मीन्स अपनी तरफदारी में किसी चीज को कर लेना ही बाजी कहलाती है, किसी जीत को हासिल कर लेना ही बाजी कहलाती है। तो दोनों शब्दों के विभेद में बाज से बाजी, एक पक्षी का नाम दूसरा बाजी, एक अलग अर्थ हो जाता है। तो बच्चों आपने समझ गया होगा कि हिंदी व्याकरण में लिंग से संबंधित सारी बातें जो मैंने अभी बताई, जिसमें कि संज्ञा शब्दों से कैसे लिंग में परिवर्तन होता है, उसकी परिभाषा, उसके कितने भेद हैं, उसके उदाहरण, स्त्रीलिंग शब्दों को पुल्लिंग शब्दों की पहचान कैसे करते हैं, स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान कैसे करते हैं, कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमेशा में स्त्रीलिंग कुछ पुल्लिंग होते हैं और पुल्लिंग से स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बनाने के आदि उदाहरणों को मैंने बताया। उम्मीद है आप इसे समझ गए होंगे। आगे चलते हैं, आपको हम होमवर्क दे रहे हैं, क्लास 7 के लिए होमवर्क है, क्लास 7 के लिए क्वेश्चन नंबर 11, लेसन नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 11, क से 6 तक, क से 6 तक आप बनाकर हमारे नंबर पर व्हाट्सएप करें। ये क्लास 7 के लिए होमवर्क हो गया। उसके बाद क्लास 8 के लिए यह होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 8, लेसन नंबर 5 का ही क्वेश्चन नंबर 8 पूरा का पूरा सॉल्व करें। धन्यवाद।